पक्षियों का एक रोचक समूह जिसे हम लाफिंग थ्रेस कहते हैं। इनकी अलग अलग आवाजें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ बेफिक्र दोस्तों की टोली हंसी ठिठोली कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह इनवाल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज कुमाऊवानी में। रेडियो कुमाऊवानी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से कुमाऊं के पक्षी नामक श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर आई है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पक्षियों के एक रोचक समूह लाफिंग थ्रस के बारे में। ज्यादातर लाफिंग थ्रस दिखने में मध्यम, डील-डॉल, भूरे रंग और लंबी पूंछ वाले होते हैं। लाफिंग थ्रस जंगल बॉबलर से काफी मिलते जुलते लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस समूह की ज्यादातर प्रजातियां साल भर झुंड में रहती हैं। आमतौर पर ये जंगल के फर्श पर अपना खाना खोजते हुए एकदम लगन से एक एक पत्ते को झटकते हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढते हैं। बीच बीच में अपनी मजबूत चोंच से धरती भी कुरेदते हैं और फिर अनायासी दूसरी ओर जाने के लिए सर्कस के कलाबाज की तरह लंबी कुदाल मारते हैं। खतरे की आहट होते ही झुंड के पक्षी अपनी चिर परिचित जोरदार आवाज में चिल्लाते हैं, चहचहाते हैं और किटकिटाते हुए शांत जंगल को रामलीला के मंच में बदल देते हैं। क्या कहा आपने? आप नहीं मानते कि ऐसे पक्षी हैं हमारे उत्तराखंड में? तो लीजिए, मैं आपको सबसे पहले इस समूह के सबसे प्रसिद्ध सदस्य व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रस की ऐसे ही टोली से मिलाता हूं। देखा दोस्तों, आपका दोस्त बहादुर सिंह आपसे शत प्रतिशत सच बोल रहा था। ये पक्षी आपके चेहरे पर मुस्कान ले ही आया। इसके पीठ, छाती, पेट और पूंछ तक के भाग गहरे भूरे रंग के होते हैं और सर, मुंह और गाल हिमालय की ताजी बर्फ जैसे सफेद। इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है इसकी सफेद कलगी और चोंच से आंख के पीछे तक जाती काली लकीर, जो पुराने जमाने की अभिनेत्रियों की लंबे काजल वाली आंखों की याद दिलाते हैं। हमारे यहाँ इसे घटियाल के नाम से बुलाया जाता है। मेरे युवा और नन्हे मित्रों को इस नाम के पीछे की कहानी शायद ना मालूम हो, तो चलिए आपसे वो कहानी भी साझा कर लेते हैं। हमारे पहाड़ी इलाकों के घराट यानी पंचक्की, जिन्हें हम घट भी कहते हैं, हमारे पूर्वजों की टेक्नोलॉजिकल भेंट है। मेरे नन्हे दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये पंचक्की या घराट पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर गेहूं से आटा पीसने का काम करती है? पर जब भी कोई घराट में आटा पीसने के बाद घराट से बाहर निकलता है तो उसका मुंह और सर आटे की वजह से सफेद हो जाता है, बिल्कुल व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रस की कलगी और मुंह के जैसे। और ऐसा लगता है मानो ये पक्षी भी पंचक्की से आटा पीस कर आ रहा हो। है ना मजेदार कहानी हमारे घटियाल की। आमतौर पर ये पक्षी अछूते घने जंगलों के मध्य भाग में छोटे पेड़ों और लचीली शाखाओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी टोली के साथ पूरे जंगल में घूमते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका रंग रूप और इंसानों जैसी हंसी इसकी खूबियां है तो जरा ठहरिए। इसकी प्रजनन प्रणाली यानी बच्चों को जन्म देना और पालन पोषण करना भी उतना ही दिलचस्प है। अन्य पक्षियों के विपरीत इस पक्षी में अंडों और बच्चों का ध्यान सिर्फ माता पिता ही नहीं बल्कि पिछले साल के बच्चे यानी भाई बहन भी रखते हैं। इस विशिष्ट प्रजनन प्रणाली को वैज्ञानिक कोऑपरेटिव ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। अंडों को सीने से लेकर चूजों को खाना खिलाने में माता पिता की मदद करते हैं बड़े भाई बहन। कभी कभी तो एक मिनट में कई बार मोटे रसीले हरपित कीड़ या कैटरपिलर्स के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं परिवार के अन्य सदस्य। कहते हैं ना दोस्तों, एक बच्चे की परवरिश के लिए पूरा गांव लगता है। इनकी ये सहकारी प्रजनन प्रणाली उस कहावत को सही ठहराती है। दोस्तों, लाफिंग थ्रस समूह का एक अत्यंत रोचक सदस्य है व्हाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रस। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। इसका ये नाम इसकी सफेद गर्दन की वजह से पड़ा है। ऊपर से नीचे तक भूरे रंग में इनकी सफेद गर्दन
दूर से दिख जाती है। आपने इसे पहाड़ी रास्तों में बड़े 20, 30 और कभी कभार उससे भी बड़े झुंडों में हल्ला मचाते हुए पहाड़ों और झाड़ियों में अपना भोजन ढूंढते हुए देखा होगा। पेड़ से पेड़ पर उड़ते हुए इनका खोजी दल, अन्य पक्षी जैसे कि यूरेशियन जे और रूफस सिविया भी कीट पतंगों के धरपकड़ का हिस्सा बन जाते हैं। झुंड के सदस्यों का आपसी व्यवहार भी बहुत दिलचस्प होता है। खाली समय में ये एक दूसरे की चोट से सफाई करते और एक दूसरे के साथ अटखेलियां करते देखे जा सकते हैं। पहाड़ों की संकरी धाराओं के पास ऊंचे खरसू, बांज, तिलौंज, बुरांस के पेड़ों की चोटी में फलों और कीड़ों को ढूंढता हुआ स्ट्राइडेड लाफिंग थ्रस्ट आपने शायद सुना हो। बाकी लाफिंग थ्रेसेस के मुकाबले आकार में थोड़ा बड़ा ये पक्षी मुख्यतः भूरे रंग का होता है। पीठ और ऊपरी भाग गहरे भूरे और ठोड़ी, गाल और पेट हल्के भूरे रंग के होते हैं, पर इसकी पहचान में इसकी भूरी कलगी, चोटी और शरीर पर छोटी सफेद लकीरें ये जोड़ों या छोटे झुंड में पाया जाता है और अपने समूह के अन्य सदस्यों जैसे बेहद ही ऊंचे और लुभावने स्वरों में गाते हुए सुना जा सकता है। दोस्तों, आज के हमारे पक्षी समूह लाफिंग थ्रस्ट के सदस्य किसी मजे हुए चित्रकार की याद दिलाते हैं, जिसके पास भूरा रंग तो अधिक मात्रा में है पर अन्य रंग नाम मात्र के हैं, पर उन्हीं रंगों का विशिष्ट स्थान पर उपयोग कर वो चित्रकार अद्भुत चित्रकारी तैयार कर रहा है। कहीं सफेद कलगी के साथ आंखों के पीछे तक जाती काली लकीर और कहीं भूरे शरीर पर पतली सफेद धारियां। हमारा अगला मेहमान भी इसी कलाकारी का नमूना है, तो चलिए पहले इसकी किकियाई आवाज तो सुनते हैं। लाफिंग थ्रस्ट समूह का ये रत्न है चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रस्ट, जो अपने कत्थई लाल रंग के सर के कारण अपना नाम पाया है। अन्य सदस्यों की तरह मुख्यतः भूरे रंग के इस पक्षी के पंख और पूंछ पर पीले रंग की मिलावट होती है। इसकी ठोड़ी काली और गले व छाती पर अर्ध चंद्राकार काले धब्बे होते हैं। वैसे तो इसका मुख्य भोजन विभिन्न प्रकार के कीड़े, झिंगूर, मक्खियां और चींटियां हैं, पर ये जंगली फलों जैसे हिसालू और किलमोड़ा को भी बड़े चाव से खाता है। हालांकि एक बहुत ही एकांत पसंद पक्षी है, पर आप इसे जंगल के फर्श पर गिरी सूखी पत्तियों के नीचे अपने पसंदीदा भोजन को ढूंढते देख सकते हो। और अब मिलते हैं इस समूह के सबसे आसानी से दिखाई पड़ने वाले स्ट्रिक्ड लाफिंग थ्रस्ट, जो हमारे खेतों की मेढ़ों, जंगल से सटे हुए ढलान और नालों के पास फुर्सत से कई प्रकार की आवाजें निकालते हुए सुना और देखा जा सकता है। इसके भूरे रंग, निर्भीक स्वभाव और ज्यादा समय जमीन पर ही रहने की वजह से हम इसे मूसा या मूसीचड़, इसका मुख्य भोजन कीट पतंगे, मकड़ियां हैं, जो हमारे घरों और खेतों के आसपास से खाते हैं। दोस्तों, पक्षियों के ये समूह हमारे जंगल के अच्छे स्वास्थ्य के सूचक हैं। एक नए शोध जो कि हमारे ही प्रदेश के मुक्तेश्वर और पंगोट में की गई है, से पता चलता है कि इस पक्षी समूह यानी कि लाफिंग थ्रेसेस की उपस्थिति बांज के जंगलों का सूचक है। बांज यानी ओक के जंगल कुमाऊं के जनजीवन, जीविका और संस्कृति का हिस्सा हैं। और इन पक्षियों का हमारे जंगलों में रहना न सिर्फ इन जंगलों के लिए बल्कि कुमाऊनी जनजीवन के लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, कुमाऊं के इस क्षेत्र में लाफिंग थ्रस्ट के महत्व के बारे में और
लाफिंग थ्रेसेस के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। मेरा नाम राम नारायण है, मैं एक गांव है सरमोली मुनस्यारी में, मैं वहां रहता हूं और मैं एक पारिस्थितिकीय शोध करता हूं और पर्यावरण और जो प्रकृति है उस पर मैं शिक्षा और ट्रेनिंग का काम करता हूं। लाफिंग थ्रश जो है वो एक या बड़े परिवार से हैं जिनका नाम है लाफिंग थ्रश एंड एलाइज, यानी कि लाफिंग थ्रश के साथ अन्य भी, जिसमें बैबलर्स और लियोथ्रिक्स और मिनला और क्यूटिया वगैरह बहुत सारे इसमें जीव आते हैं, पक्षियां आते हैं। इन पक्षियों का खासियत ये है कि ये अक्सर झुंड में रहते हैं, इनका उड़ान बहुत तगड़ा उड़ान नहीं है, कमजोर उड़ान है और इसलिए ये लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं और ये हर किस्म के आवास में मिलते हैं, खेतों में मिलते हैं आपको, घने जंगल में मिल जाएंगे आपको, जमीन के झाड़ियों के अंदर मिल जाएंगे आपके, पेड़ों के टॉप पे मिल जाएंगे। तो ये बहुत अलग अलग आवास में रहते हैं जिसको हम लाफिंग थ्रश कहते हैं। उत्तराखंड में 8 प्रजाति हैं और ये 4 वंश में या जीनस में बटे हुए हैं। सबसे बड़ा जो है वो है आपका स्पॉटेड लाफिंग थ्रश, जहां हमारे बुग्याल है, बुग्याल से जुड़े हुए जो जंगल है उस ऊंचाई में आपको मिलते हैं। बाकी 7 जो हैं वो हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र और नैनीताल जिले में पाए जाते हैं। इन लाफिंग थ्रशों का एक खासियत यह है कि ये सब बहुत अच्छे गाना गाते हैं। आपका सबसे फेमस तो या सबसे जिसका सबसे परिचय होगा वो है आपका मूसी चौड़ या भूस फेकड़ा, जिसको हम स्ट्रीक लाफिंग थ्रश कहते हैं और ये सबसे छोटा है उनमें से और ये सब जगह पाया जाता है, जंगल से लेकर खासकर गांव के आसपास और बाजारों में भी, आपके अगर झाड़ियां होंगे तो उनमें ये चूहे की तरह झाड़ी से झाड़ी कूदते हुए निकलते हैं। इसके अलावा हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र में जो अगला जो सब पहचानते होंगे वो है सफेद टोप चिलचिलिया, व्हाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रश, ये भी 8 से 10 के झुंड में तो मिलते ही हैं और ये जो जंगल गांव से लगा हुआ है या जो बगीचे हैं ऑर्चर्ड्स हैं इनमें अक्सर पाए जाते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक और है जिसका नाम है व्हाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश, नॉर्मल टाइम में आपको 8-10 के झुंड में मिलेंगे, नॉर्मल टाइम में माने कि जाड़ों के अलावा में या 8-10 के झुंड में मिलेंगे और जाड़ों के टाइम में ये 100 से 200 के झुंड में मिल सकते हैं। 2-3 और लाफिंग थ्रश हैं जो सब लोग पहचानते होंगे, एक तो स्ट्राइटेड लाफिंग थ्रश जिसका कलगी भी है और पीठ पे धारियां हैं, ये कभी आपको जमीन में नहीं दिखेगा, बहुत ही कम, ना के बराबर, ये पेड़ों में ही रहते हैं फल के पीछे और कीड़ों के पीछे। 2 और लाफिंग थ्रश है, एक का जिसका लाल सर लाफिंग थ्रश चेस्टनट क्राउन, ये कम दिखते हैं, ये ज्यादातर इनको जंगल पसंद है। और एक और है जिसका नाम है वेरीगेटेड लाफिंग थ्रश, ये और भी कम है, ये बिल्कुल जंगल घने जंगलों का पक्षी है और ना के बराबर ये गांव के आसपास दिखता है। और एक लास्ट जो लाफिंग थ्रश है वो है रूफस चिन्ड लाफिंग थ्रश, ये मूसी चौड़ का ही रिश्तेदार है मगर ये थोड़ा सा शर्मीला है और ये 2 के ही जोड़ी में आपको मिलेंगे, ये आपको 2 से ज्यादा ना के बराबर मिलेंगे। तो ये हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र की ये 7 लाफिंग थ्रश हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि पक्षी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो स्थानीय लोग क्या प्रयास करें कि इन्हें संरक्षित रखा जा सके? मैं सिर्फ ये खास लाफिंग थ्रश के बचाव के लिए नहीं बात कर सकता हूँ, मैं सारे पक्षियों का बचाव का बात कर सकता हूँ। जब हम बचाव का बात करते हैं तो सबसे पहले तो बड़े से लेकर छोटे से शिकार बंद होनी चाहिए, दूसरा जहां जंगल क्षेत्र है उसको जंगल क्षेत्र को बनाए रखें, तो जंगल को आग से हम बचाएंगे तो ये कीड़ों का, ये पक्षियों का, एक तो इनका आवास भी बना रहेगा और इनको आहार भी मिलते रहेगा, क्योंकि हमारा सिर्फ सिर्फ लाफिंग थ्रश पे शोध नहीं है, सारे पक्षियों पे शोध है मगर लाफिंग थ्रश जो है वो हमारे जंगल के कुछ क्या बोलते हैं हीरे मोती जैसे हैं, जहां हम देखेंगे कोई भी बर्डर जिसको हम कहते हैं जो पक्षी को देखने के इच्छुक हैं, कोई भी ये किसी इनमें से किसी भी लाफिंग थ्रश को देखेंगे तो उनका दिल खुश हो जाता है, हमारा जंगल खुश हो जाता है जब ये पक्षियां हमारे जंगल में हैं
उनके आवाज से, उनके उनके चलने से, जब आप 200 का झुंड का एक व्हाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश का झुंड को देखेंगे, तो वो लाफिंग थ्रश नाम इनका इसलिए पड़ा है क्योंकि ऐसे लगता है कि ये इतने खुश दिल हंसते हुए निकल रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम लाफिंग थ्रश पड़ा है। एक और इसका वैज्ञानिक नाम है जिसका नाम है गैरुलैक्स, यानी कि बातूनी, यानी कि ये बातूनी भी है और खुश दिल भी है। तो कोशिश तो हमको बिल्कुल करनी चाहिए कि इन पक्षियों को और अन्य पक्षियों को का आवास बनाए रखें। सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस विलक्षण पक्षी समूह से मिलके? अगर आपने अपने घरों, खेतों या जंगलों के पास इन पक्षियों को ठहाके या सुंदर गीत गाते सुना है, या आपके पास इन पक्षियों की रोचक घटना है, या इन पक्षियों से जुड़ी कोई रोचक कहानी है, तो आप अपना अनुभव हमसे साझा करें। हमारा नंबर है 9536476660। और इसी के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यह कार्यक्रम नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से रेडियो कुमावाणी द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया है। स्क्रिप्ट लेखन डॉक्टर मोनिका कौशिक द्वारा, पक्षियों की आवाजें विरल जोशी और पीटर बोसमन के सहयोग से प्राप्त हुई है।